लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 29 इंडिया। आइए नजर डालते हैं अपराध जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में सोमवार सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। शराब पीने से मना करने पर एक टीवी मैकेनिक ने अपनी पत्नी की सोते समय बाघ से सिर काट कर कर दी हत्या। कटा हुआ सिर कनस्तर में रखकर पहले पैदल और फिर 7 किलोमीटर ऑटो में घूमता रहा। शराब, भांग, चरस का नशा करने का आदी है आरोपी। NIA ने दिल्ली एयरपोर्ट से मुजफ्फरनगर जिले के छपार थाना क्षेत्र के गांव खामपुर निवासी जावेद अली को किया गिरफ्तार। हवाला कारोबार के जरिए आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा को फंड जुटाने के मामले में 2 साल से NIA को जावेद की थी तलाश। हाल ही में सऊदी अरब से लौटा था स्वदेश। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के गांव नेगला दानी में ससुराल जनों ने नवविवाहिता की गला घोटकर की हत्या। इसके बाद शव को जलाने की कोशिश, बाद में शव को छोड़कर फरार हो गए बदमाश। पिता की तहरीर पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फरीदाबाद के सेक्टर 7A में रेडियोलॉजिस्ट व उनकी पत्नी समेत बेटी व दामाद की निर्मम तरीके से चाकू से गोद कर व गला रेत कर की हत्या। 86 मिनट में 4 हत्याएं कर उजाड़ दिए 2 परिवार। खौफनाक था अंदर का मंजर, देखकर दहल गए लोग। सहारनपुर जिले में एक महिला ने अपने पति पर साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म करने और बाद में 3 तलाक देने का लगाया आरोप। पुलिस को तहरीर देते हुए महिला ने दुष्कर्म की वीडियो बनाकर कार्रवाई करने पर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से की न्याय की गुहार। डिग्री कॉलेज में म्यूजिक विभाग की छात्राओं ने प्रवक्ता पर यौन शोषण का लगाया आरोप। इस संबंध में म्यूजिक विभाग की छात्रा ने अपने विभाग के एक शिक्षक के खिलाफ लिखित में प्राचार्य को शिकायत की। एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी कर रही है मामले की जांच। लखनऊ में इंदिरा नगर के सुगामऊ निवासी समाचार पत्र विक्रेता मुकेश रावत पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। युवक के घर पर बोला धावा की मारपीट व तोड़फोड़, फिर धमकी देकर भाग गए बदमाश। युवक का आरोप, दबंगों को बचाने में जुटी है पुलिस। लखनऊ में माल के गागन गांव में हुआ एक भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ने बाइक सवार की ली जान। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने शव मुख्य सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग कर प्रदर्शन शुरू किया। पुलिस बनी रही मूक दर्शक। फर्जी तरीके से ATM बना, विधवा के खाते से करीब 2 लाख रुपए उड़ाने का मामला सामने आया। पति की मौत के बाद मिली मुआवजा राशि से विधवा ने अपने और 3 बच्चों के नाम करवाई थी FD। इस राशि को किसी अन्य पिता पुत्र ने ATM बनाकर निकाली। पुलिस कर रही है मामले की जांच। अयोध्या फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ और गलत संदेश प्रसारित करने वाले 2 लोगों के विरुद्ध बेवर और भोगांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस अधीक्षक ने कहा, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।